हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रॉ कमांड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जैसे कि हम यूनिट सेटअप किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा था जूम कमांड और पैन कमांड, और सबसे जो इम्पोर्टेंट लास्ट क्लास में हमने कमांड पढ़ी थी वो थी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रॉ कमांड्स कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट किस तरह से ड्रॉ करने हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉ कमांड आज, उनमें है सबसे पहले आर्क कमांड, उसके बाद में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड और एलिप्स कमांड। आर्क कमांड स्टार्ट करने के अंदर, आर्क कमांड में जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जिस जिस प्रकार से हम आर्क बना सकते हैं वो सारे हम ऑप्शंस देखेंगे, इसी तरीके से रेक्टेंगल कमांड के और फिर एलिप्स कमांड के। तो चलो विद्यार्थी शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्क कमांड। आर्क कमांड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑटोकैड में काम करने के दो तरीके हैं। आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट से जा सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे, आप कोई भी कमांड रियल टाइम में भी लिख सकते हैं। दिस मीन्स कि आप ये ब्लैक स्क्रीन पे कहीं पे भी अपनी कमांड टाइप करेंगे, वो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप होगी। इसके अलावा हमारे को शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं रिबन्स। इन रिबन्स में आप अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कमांड आपको फ्रीक्वेंटली यूज आ रहा है वो आप इन रिबन्स पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए आर्क कमांड का यहाँ पे जैसे शॉर्टकट दे रखा है, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से आर्क कमांड यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो आर्क कमांड, आप यहाँ से ए आर सी, इसका शॉर्टकट होता है, ए आर सी लिख के भी आप आर्क कमांड यूज कर सकते हैं। अब हमको अगर ऑटोकैड में फास्ट काम करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमको शॉर्टकट जहाँ पे यूज करना है, जो वहाँ पे हमको शॉर्टकट यूज करना चाहिए जो कि डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर दे रखा है, और कुछ जगह हमको कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि हमको हमेशा ये, हम जैसे जैसे वर्क करेंगे ऑटोकैड पे, जितनी हमारी प्रैक्टिस रहेगी उसके अनुसार हमको पता लगेगा कि कहाँ पे हमको कमांड यूज करना है, कहाँ पे हमको आर्क यूज करना है। तो मैं जितना अभी ऑटोकैड यूज करता हूँ उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि आर्क कमांड के लिए हमको उसका जो रिबन में शॉर्टकट दे रखा है उसको यूज करना चाहिए, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा बजाय के हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें। ठीक है, आप ऑटोकैड के किसी भी इसमें जाएंगे ऑप्शन में, आर कमांड में गए तो ये आपको ऑप्शन बताता है, साथ ही वो आर कमांड किस प्रकार से वर्क करेगा ये भी उसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आर कमांड के अंदर जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3 पॉइंट, फिर स्टार्ट सेंटर, और ये कुल मिला के टोटल इतने ऑप्शन दे रखे हैं, इन तरीकों से हम आर्क बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क क्या होगा? 3 पॉइंट आर्क में आपको कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे, उनसे आर्क बनानी है तो वो आप बना सकते हैं, वो तीनों पॉइंट को टिक करके। जैसे कि अभी तीनों पॉइंट आपको देखना, मैं एक कोई ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसका ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं, हम पॉलीगन कमांड में सीखेंगे ट्राइंगल किस तरीके से बनाते हैं। ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया, अब इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से क्रॉस करता हुआ मेरे को एक आर्क चाहिए। तो मैं जाऊंगा 3 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले दूंगा फर्स्ट पॉइंट, ये अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में स्नैपिंग मोड ऑन कर रखा है। अगर स्नैप ऑफ करना है तो मैं शॉर्टकट दबाऊंगा F3, तो ये स्नैपिंग ऑफ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्नैप नहीं आ रहा, वो ग्रीन पॉइंट चला गया। मेरे को स्नैपिंग चाहिए तो मैंने F3 दबा के वापस ऑन कर ली। हम जैसे जैसे लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे पिछली कमांड आपको ध्यान में रखती जानी है। अब यहाँ पे एंड पॉइंट पहला सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट पॉइंट आर्क का, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ओके, क्लियर है, 3 पॉइंट का गुजरता हुआ आर्क हमने बना लिया। अब आर्क में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जैसे आर्क में ये अभी हमने बनाया, ये 3 पॉइंट से बना दिया। अब दूसरा ऑप्शन आर्क क्या देता है? दूसरा ऑप्शन देता है स्टार्ट सेंटर एंड। ओके, तो आपको सबसे पहले उसका स्टार्ट पॉइंट बताना है, फिर सेंटर पॉइंट बताना है, फिर एंड पॉइंट बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई आपका ये बना हुआ है, ये एक लाइन में बनाता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये बनाई मैंने लाइन 250, ओके, और ये बनाई मैंने 250, ओके, ये मेरी लाइन बना दी। अब मेरे को इन 2 पॉइंट के और सेंटर से आर्क बनानी है। तो ये आर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा आर्क स्टार्ट सेंटर एंड एंड। आपका जो आर्क होता है वो ऑटोकैड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट दूंगा, फिर मैं सेंटर पॉइंट दूंगा, फिर मैं एंड पॉइंट दूंगा। तो ये जो आर्क बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जैसे कि अभी मैंने दिया यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से दिया स्टार्ट, सॉरी अभी मेरे को पहले आर्क कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट
यहाँ पे ये आया आपका स्टार्ट पॉइंट, देन सेंटर पॉइंट दिया मैंने, ठीक है। सेंटर पॉइंट देने के बाद में सेंटर पॉइंट एंड दिस इज योर एंड पॉइंट, तो ये आपका आर्क बन गया। अब मैं उल्टा चलता, जैसे कि स्टार, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आर्क मैंने बनाई, जो सेम सेम चीज सेम ही लाइन पे हम दूसरी आर्क बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी। अगर मैं स्टार्ट इधर से दूसरी जगह से चालू करता, यहाँ से स्टार्ट चालू करता, तो मैं वापस आर्क कमांड पर जा रहा हूँ, आर्क कमांड स्टार्ट सेंटर एंड, ये आपका स्टार्ट आया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सेंटर और एंड, तो आप देखेंगे आर्क इस तरीके से बना, मतलब स्टार्ट सेंटर और एंड। तो ये जो आएगा, ये सीक्वेंस जो आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। एंगल जो होता है वो आपका इंक्लूडेड एंगल होगा होगा कोई भी आर्क के बीच का। जैसे मान लो ये आर्क बनी हुई है, तो ये आर्क एंगल कितना सबटेंड कर रही है। ओके, जैसे मैंने आर्क बना दी स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से आर्क, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, मैंने सेंटर पॉइंट कोई भी रैंडम दे दिया, अगर हमको पता है कोई पर्टिकुलर तो वो सेंटर पॉइंट दे देंगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है एंगल, तो एंगल दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 130। ओके, तो ये 130 एंगल बन गया। अब ये 130 एंगल कौन सा है, ये 130 एंगल हम देखना है तो कौन सा हम पता करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक लाइन मैंने बनाई, इस पे बनाई और इसके एंड पॉइंट से मिला दी। तो जो ये आपका एंगल है, ये दिस इज योर दिस एंगल, ठीक है। ये मैं डायमेंशन से देख भी सकता हूँ, ये कमांड डायमेंशन वाली आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे, अभी आपको इसके अंदर नहीं जाना। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये एंगल 130 जो हमने डिजाइन किया था वही बना, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका 130, ठीक है। तो दिस इज योर सबस्टैंडर्ड एंगल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। तो जो लेंथ है आपकी, लेंथ इसके अंदर ये है कॉर्ड लेंथ। ओके, जैसे ये सेम आर्क मेरे को बनानी है तो मैं इसकी कॉर्ड लेंथ देख लेता हूँ कितनी है। जैसे इसकी कॉर्ड लेंथ हो गई फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी कॉर्ड होगी। ओके, और इसकी कॉर्ड लेंथ आपकी DI एंटर करके मैंने देख लिया, या लिस्ट जो भी कमांड हमको, ये कमांड्स आप बाद में देख पाएंगे कितनी लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ आ गई 3135। ओके, अब आपको सेम ये आर्क बनाना है इसी कॉर्ड लेंथ का, ये मैंने डिलीट कर दी, आर्क स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। तो मैं दूंगा सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, ओके, देन सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, मैंने ये सेंटर पॉइंट दे दिया, उसके बाद में मैं दे दूंगा कॉर्ड लेंथ। ओके, कॉर्ड लेंथ फॉर एग्जांपल मेरी आ गई 495। ओके, तो ये जो बनी ये कॉर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग बन गई, कॉर्ड लेंथ आप समझ गए। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आपका और आ रहा है स्टार्ट सेंटर, ये चारों ऑप्शन हमने देख लिए, स्टार्ट एंड एंड एंगल। आपने ये जो पहले किया था वो हमने किया था स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, अब मैं स्टार एंड एंगल से भी कर सकता हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ठीक है, आर्क का, यहाँ पे मैं गया स्टार्ट स्टार्ट एंड एंड एंगल दे दिया मैंने 180, तो ये मेरा सेमी सर्कल बन गया। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, इसके बाद में स्टार्ट एंड डायरेक्शन दे सकते हैं हम, स्टार्ट एंड रेडियस दे सकते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड दे सकते हैं, सेंटर स्टार्ट एंगल दे सकते हैं, सेंटर स्टार्ट लेंथ दे सकते हैं। ये कमांड कई जगह यूज आती है, जैसे अभी एक इसका एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं हमारा स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड एंड, कि हमको सेंटर पॉइंट देना, स्टार्ट पॉइंट देना और एंड पॉइंट देना। एक एग्जांपल भी, जैसे ऑटो कैड की हम जो भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसका एक बाय डिफॉल्ट एग्जांपल ऑटो कैड भी देता है। तो जैसे अभी ये एग्जांपल हमको जैसे चेक करना है, तो मैं पहले इसके लिए कुछ चाहिए, मैं लाइन बना लेता हूँ, एक लाइन मैंने बना ली और ऑन करके एक लाइन बना लिया, ठीक है। और मैं एक कुछ डिस्टेंस पे इसके दूर और एक लाइन बना लेता हूँ, ये मैंने इस पे 100 की डिस्टेंस पे एक लाइन बना दी इसके, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी है आपकी 100, ओके ओके 100। अब मेरे को इन दोनों पॉइंट्स पे आर्क बनानी है, ठीक है, या सेमी सर्कल बनाना है। तो या तो मैं सर्कल बनाऊं और उसको बाद में एडिट करूं, या मेरे पास सबसे इजी ऑप्शन है कि मैं एक इस पे आर्क बना सकता हूं। अब इस पे आर्क बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस में आए, वो जिससे भी आप फास्ट बना सकें। तो मैं देता हूँ सबसे पहले सेंटर स्टार्ट एंड एंड।
अभी मेरे को इसके लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट चाहिए आर्क का। तो अभी मैं सेंटर पॉइंट तो बता नहीं सकता इसमें, क्योंकि मेरे पास सेंटर लाइन नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड से आर्क बनेगा नहीं। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा ऑप्शन इजी है इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है स्टार्ट एंड। मेरे को ऐसे ऑप्शन चाहिए जिसमें एंड हो। ठीक है, स्टार्ट सेंटर और एंड तो है ही। सेंटर स्टार्ट एंगल है, सेंटर स्टार्ट लेंथ है। अब ये तीनों ऑप्शन तो सेंटर से आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एंड एंगल, ओके। एक आ रहा है स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन, और एक आ रहा है स्टार्ट एंड एंड रेडियस। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को यहाँ पे सूट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और मेरे को रेडियस पता है आर्क की कितनी देनी है। ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ आपको, ये तो पता ही है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा मेजर। इसको इमिडिएटली चेंज करना तो हम कंट्रोल दबा के डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। ये इसके लिए हमको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एंड पॉइंट, लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है। मैंने स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। मैंने एंड पॉइंट ये दे दिया। अब ये पूछ रहा है उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो रेडियस मैं देता हूँ इसका 50, ओके। क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी लाइन की, 100। अब मैंने 50 दबाया तो रेडियस हो गया 50। ये मेरा सेमी सर्कल बन गया, क्लियर। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता, एक सर्कल बनाना पड़ता। सर्कल के लिए भी मेरे को रेडियस चाहिए होता। तो यहाँ पे ये आर्क कमांड बहुत यूजफुल है। अब दूसरा दूसरा सेम चीज हम बना सकते हैं अगर हमको इसके बीच का सेंटर पता हो तो। ठीक है, सेंटर लाइन अगर हमको पता हो तो मैं अभी सेंटर लाइन बना लेता हूँ। ये सब कमांड जो मैं अभी शॉर्टकट यूज ले रहा हूँ, ये कमांड आप बाद में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ जो आर्क कमांड बताई जा रही है, आप केवल उसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आर्क कमांड में अब मेरे को सेंटर से बनाना है। तो मैं आर्क में गया, मैंने सेंटर स्टार्ट एंड एंड, तो मैंने सबसे पहले सेंटर सेलेक्ट किया, ओके। ये सेंटर, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, और ये मैंने एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये एंड पॉइंट दे दिया। तो ये मेरा आर्क बन गया सेंटर स्टार्ट एंड। इसमें मेरे को रेडियस भी नहीं कैलकुलेट करनी पड़ी, ठीक है, और स्टार्ट एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट दिया। ठीक है, सेम। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं दे सकता हूँ सेंटर स्टार्ट एंड एंगल, कि मेरे पास में सेंटर पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, और उसका एंगल है। तो एंगल जो होता है वो कौन सा होता है आपका? इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड एंगल हमने पहले भी देखा कौन सा एंगल, जैसे इधर साइड में मैंने बताया था ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब मैं इस ऑप्शन से बनाता हूँ सेम आर्क, सेंटर स्टार्ट एंड एंगल। तो ये मैंने दिया सबसे पहले सेंटर, दिस इज योर F8 दबा लेते हैं ताकि ऑर्थो ऑन रहे, सॉरी अभी ऑर्थो ऑन हो गया। ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया। अब मैं एंगल दे देता हूँ 180, ओके। अभी ये इसके बराबर मैच क्यों नहीं करा, क्योंकि इन दोनों लाइंस के एंड एकदम एक्यूरेट नहीं है, ओके। ये सेम आर्क हम तीन तरीके से बना चुके हैं अभी तक। इसके बाद में ऑप्शन आता है सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। लेंथ कौन सी आपकी? कॉर्ड लेंथ, ओके। तो कॉर्ड लेंथ कितनी होगी इसमें? 100 होगी। कॉर्ड लेंथ होगी आपकी 100। इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, अब एक्यूरेट बनेगा आपका आर्क। तो मैं जाता हूँ आर्क में सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। तो ये दिया मैंने सबसे पहले सेंटर, देन योर दिस विल बी योर स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। अब क्या पूछ रहा है ये? स्पेसिफाई दी लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी दोनों लाइन के बीच की दूरी? वो है हमारी 100। तो ये बन गया, क्लियर है, सेम आर्क। अब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग में आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। अभी हमने आर्क कमांड के सारे ऑप्शंस चेक कर लिए हैं, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। हमको बस ये पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा होता है। एंगल होता है इंक्लूडेड एंगल, लेंथ होती है कॉर्ड लेंथ। अब आप इन ऑप्शंस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है आपका कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस आपका कहाँ पे काम आएगा? फॉर एग्जांपल मैं एक 3 पॉइंट आर्क बनाता हूँ। मैंने 3 पॉइंट आर्क बनाया, ये फर्स्ट पॉइंट और तो ऑफ किया, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अब कंटिन्यूअस आर्क आपका ऑप्शन आएगा, इस जो लास्ट आर्क बनाई उस आर्क के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा, ओके। ये वापस से कंटिन्यूअस, स्पेसिफाई दी आर्क पॉइंट। अभी आपको यहाँ पे आर्क पॉइंट नहीं करना, आपको जाना है कंटिन्यूअस, ये लास्ट आर्क पॉइंट पे आ गया। इसको कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे, ठीक है, ये आर्क बनती गई आपकी। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आर्क पॉइंट के हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम कमांड देखने वाले हैं वो है हमारी रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड यूज करने के लिए हमको शॉर्टकट है REC, रेक्टेंगल कमांड REC डालेंगे। अब REC के बाद में नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। ओके, सेम रेक्टेंगल कमांड को आप ऊपर रिबन से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड आपने यूज किया, नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है जैसे सी, एलिवेशन का ई, ये इसके अंदर फर्दर शॉर्टकट्स हैं उस कमांड को यूज लेने के लिए। तो जैसे मैं अभी रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ चैम्फर के साथ में, तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं लेंथ वाला। ठीक है, REC मैंने एंटर किया रेक्टेंगल। अब मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ ए, तो एरिया वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, REC रेक्टेंगल, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मेरे को पहला कॉर्नर बताना है, पहला कॉर्नर बताया। इसके बाद में ये तीन ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है या इसके डायमेंशन पता है और इसको कितने रोटेशन पे बनाना है। ठीक है, तो जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एरिया पता है कि मेरे को 100 स्क्वायर का या 1000 स्क्वायर mm का मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने ए डाल दिया एरिया। ये पूछ रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन करंट यूनिट्स, तो मैंने 1000 mm² इसका एरिया डाल दिया। अब ये पूछ रहा है आपको लेंथ या विड्थ पता है, तो मैं बोल देता हूँ हाँ जी मेरे को लेंथ या विड्थ पता है, मैंने लेंथ डाल दी 200, तो ये रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो 200 वाले रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो जाएगी, जितना अगर उसका एरिया 1000 आएगा तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 200 बता रहा है और ये कितनी हो गई आपकी 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट REC, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, आप कहते हो डायमेंशन पता है तो मैं दबा दूंगा डी। एंटर, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दी मैंने 200। ठीक है, एंटर किया, स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ दे दी मैंने 400। ओके, तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया 300 × 200/400 का। ओके, क्लियर है। अब हम रेक्टेंगल कमांड में तीसरा ऑप्शन है रोटेशन, तो मैंने सबसे पहले सॉरी REC REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताया, रोटेशन देना है R, एंटर किया, एंगल कितना देना है आपको, एंगल देना है फॉर एग्जांपल 45, तो मैंने 45 दबाया, एंटर किया। अब ये एंगल कहाँ से मेजर कर रहा है, एंगल वही आपने जो डायमेंशन यूनिट सेटअप में दे रखा है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, आपको अगर डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस दे सकते हैं, अदरवाइज किसी उस पर क्लिक करना है तो डायरेक्टली उस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी रेक्टेंगल कमांड हमको बहुत सारे ऑप्शन देता है। जैसे मैं रेक्टेंगल कमांड में गया, ये पूछ कह रहा है कि चैम्फर, आपको चैम्फर देना है क्या, तो आप चैम्फर पे क्लिक कर देंगे, सीधा चैम्फर दे देंगे। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल, चैम्फर डिस्टेंस कितनी रखनी है आपको। जैसे एक रेक्टेंगल, अभी फॉर एग्जांपल अपन रेक्टेंगल बनाते हैं 200/400 का या 400/200 का। ठीक है, और चैम्फर देना है मेरे को 50, तो मैंने 50 दिया। ठीक है, एंटर किया, स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, ये भी 50, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दे दिया, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो ये विद चैम्फर जो है आपकी रेक्टेंगल बन गया। अब चूंकि हमने रोटेशन नहीं हटा रखा था तो हमको रोटेशन हटाना पड़ेगा। REC किया मैंने, पहला एंगल दिया R करके, रोटेशन, रोटेशन एंगल कर दिया 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका विद चैम्फर। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका REC फिलेट, तो फिलेट अगर आपको देना है तो फिलेट रेडियस देना पड़ेगा, रेडियस 50 देता हूँ मैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, तो ये फिलेट के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट आता है REC थिकनेस, थिकनेस मीन्स ये लाइन के थिकनेस, तो मैंने थिकनेस दे दी, थिकनेस दे दी 25, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। ये अभी थिकनेस दिख नहीं रही है, जब हम प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर थिकनेस दिखती है इसकी। के बाद में आता है लास्ट ऑप्शन विड्थ, स्पेसिफाई लाइन विड्थ, लाइन विड्थ दे दी हमने 25, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट।
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ ही आज हम समराइज कर लेते हैं। हमने डिफरेंट मेथड से आर्क बनाना सीखा और रेक्टेंगल बनाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलिप्स, पॉलीगॉन, पी लाइन और डोनट कमांड। ओके, थैंक यू।